नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल ने शुक्रवार को अपने आवास के सामने होने वाले जलजमाव से परेशान होकर पानी में बैठने की चेतावनी दी थी। सूचना पाकर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने चीफ इंजीनियर सुरेश चंद और अभियंता को मौके पर भेजा और नगर विधायक से वार्ता की। चीफ इंजीनियर ने नगर विधायक को बताया कि नगर निगम द्वारा 2019 में ही जल निकासी समस्या के लिए नक्शा बना लिया है, लेकिन निगम के पास पैसा ना होने की वजह से योजना शुरू नहीं हो पाई है। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने फ़ोन पर नगर आयुक्त और महापौर से बात की। नगर विधायक ने बताया कि महापौर के द्वारा आश्वासन मिला है जल्द ही नाले के निर्माण का कार्य पूरा होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के मुख्य अभियंता इंजीनियर सुरेश चंद तथा नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, सर हमारा ही पाला था, इसलिए जब पाला मैंने खुद को बनाने के लिए सर आपके पास में स्केल लेवल मिल गया सामान यहाँ पे फिर जब उसको मैं पैमाइश कर रहा था तो मिल नहीं रहा हुआ कि यही कारना में सर एक जगह मिल गया ऐसे पटरी पे ही पटरी और नाला को इंक्लूड करके ऐसे सर यहाँ से गाड़ी नाला के बेड तो आ ही रहा सर यहाँ पर ग्रेडियंट है सर पानी आ रहा है इसमें और उसका उसके सर पानी ऐसे पाइपलाइन डालते हुए यही सर एक प्रतिक्रिया एक खुलिया है सर। तो ये क्या बनाए हैं आप? अभी आधा पानी सर इसमें आ रहा है, इधर का पानी सर जो पानी भरता है तो पानी इधर का भी सर आयरन का भी पानी इसमें आ जाता है और इधर का भी बैक मार्केट में आ जाता है कि पानी यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। यहीं पर संपूर्ण बनाए थे और यहाँ सर जो पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर सर जो कलवर्ट है सर चीज़ होगी वो सब हम जान रहे हैं। यहीं पर सर मिला है कब बनाया था? वो तो मैं पिछले वर्ष में नहीं पिछले फरवरी का सर फरवरी 2019 फरवरी 2019 हाँ अभी तो जैसे मीटिंग हुई ना लास्ट ईयर लास्ट मंथ 27 को हुई उससे पहले बना था शायद सर। ठीक है, आज तक आप सिर्फ 50 लाख रुपया की व्यवस्था नहीं कर पाए, इसको क्या कहा? इसको क्या कहा सर? व्यवस्था तो नहीं साफ साफ बात, मैं उस पानी में डूब के आज बैठूंगा, तय करिए मैं वहीं जाके बैठ जाता हूँ, उठूंगा तब जब आप आपके महापौर महोदय ने तो कॉन्फ्रेंस ही कम कराया, कहाँ से कराया जब पैसा नहीं था? इस कॉन्फ्रेंस गलत थी, दोनों बातें सही हैं। आप कहोगे पैसा नहीं है इस वक्त और वो कहें अरे अभी तो 10 दिन पहले उन्होंने पत्रकार वार्ता की 15 दिन पुराने कामों को पाओगे जो कहा आपके लोगों ने बुलेटिन बना के दिया होगा, मेयर क्या जाने आपने लिखित दिया होगा उन्होंने लिखित बोला होगा, आपने 10 दिन पहले मेयर से झूठ बुलवाया तो उन्होंने और उन्होंने दो बयान दिए, उन्होंने एक बयान ये दिया कि 286 करोड़ का हमने निर्माण कराया और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि शहर के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा बनाए गए सड़क जैसा ही सुंदर सड़क बना, जो एक अनावश्यक बयान था। ठीक है, वो एक अलग विषय। 15 दिन पहले बयान में आपका मेयर कहता है मैंने 286 करोड़ का निर्माण कराया और आप यहाँ विधायक के पास आके कहते हो कि नगर निगम में पैसा नहीं है, दोनों में सच क्या है? इस वक्त सर पैसा नहीं है, 10 दिन पहले बात है, पैसा है अलग बात है, कराया वो अलग बात है, पहला करा दिया। आज के दिन आपके पास कितना पैसा? आज के दिन हमारे पास एक्चुअली बिल्कुल पैसा नहीं है। तो ऐसा क्यों मैं ऐसा होता था बताइए, हम इसके समाधान के लिए लड़ने के लिए नहीं मैं और हम पॉजिटिव मूड में हाँ हम भी सर चाहते हैं ना, हम तो सर 4 साल से झेल रहा हूँ सर, आप बताइए क्यों नहीं? तो एक्चुअली सर बताऊँ जब सर कहेंगे 15 मिनट का पैसा हमारे पास आया है, 15 मिनट का पैसा हाँ हमारे पास आया था। ठीक है सर, अब सर क्या है कि जैसे कितना आया था? 20 करोड़ 20 करोड़ नहीं 20 करोड़। ठीक, अच्छा सर, अब क्या है कि जैसे कि चार्जिंग स्टेशन बनना है ठीक सर, जो इलेक्ट्रिक बस वाले कितने करोड़ का? हाँ मैं बताता हूँ, उसमें सर इन्होंने दिया है 12 41 का दिया, चलिए 12 करोड़ उसमें गया, हम मान लिया आपकी, मैं सब मानेंगे, आगे बताइए। अच्छा सर, चाहे वो पार्क का हो चाहे सीवर का हो चाहे वाटर का हो 20% पैसा नगर निगम को देना पड़ता है। ठीक ठीक है सर, ठीक वो हमारे पास 15 करोड़ की लाइबिलिटी है,
तो 15 करोड़ गवर्नमेंट मांग रही है, तो 15 करोड़ तो 15 करोड़ हमारे पास है ही नहीं सर, क्योंकि हमारे पास तो जैसे 12 करोड़ हम यहाँ निकाल के बचा, तो हमने 12 आपने निकाल दिया, 8.5 करोड़ रुपया बचा हमारे पास। हाँ, तो हमने कहा कि साहब ऐसा है कि हम जो है कुछ जितना हमारे पास हो सकता हम दे देंगे। ठीक, तो ये हो गया सर, ऐसे करते कितना दे दिया आपने उनको? अभी हमने उनको 3 करोड़ दिया, 3 करोड़। अच्छा सर, बच गया 5.5 करोड़। अब सुनिए सर, एक्चुअली सर क्या है कि अब क्या है कि अब NGP का नगराज साहब पास नोटिस आ चुके हैं गवर्नमेंट से जो है कि भाई अगर आपने ज़मीन खरीद करके बाउंड्री वाल नहीं की तो आपके विरुद्ध जो है कार्य चीज़ की बाउंड्री वाल नहीं समझे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा ठीक, तो उसकी ज़मीन के लिए पीछे पड़े हुए थे। ठीक बात है, इसका ज़मीन सर देखी थी यहाँ पर जाकर के सेना रोड गया था। ठीक बात है, तो लगभग जो है 35-40 एकड़ ज़मीन लेनी है सर। कितनी पड़ेगी वो सर? पड़ेगी ये बता रहे थे वहाँ पर लोग 35 लाख रुपये पर एकड़। ठीक, तो वो सर कितने हुए? 35-35 गुना करेंगे तो सर इसलिए कि लगभग 10 करोड़ के सर वो हो जाए। ठीक बात है, ये कहानी अब सब निकाल लेंगे, पैसे बचा कहाँ सकते हैं? और उसके लिए आप हमको 50 लाख रुपया 15-20 से नहीं दे पाए। चलिए दूसरा पैसा बताइए। और भी अवस्थापना का बताया नहीं सर, इसलिए नहीं आया। इसलिए मैं समझता हूँ कि लास्ट पैसे जब मैं आया था तभी था सर। कब? 2016 में 2017 में। 2016-17 के बाद से अवस्थापना का पैसा नहीं है, और 15 वित्त का आपने बता दिया। राजवित का पैसा? राजवित का तो सेलिंग है, टोटल सेलिंग है। और किस किस माध्यम से पैसा आता है? नगर निगम फंड में कितना पैसा आता है? वो आता नहीं है, वो तो कलेक्शन से होता है। कितना होता है? तो वो जो होता है सर उसमें लगा लिए सर, मैं तो आज की डेट में निर्माण विभाग को कम से कम 30 करोड़ रुपये तो फंडिंग पड़ा हुआ चेहरा कर। कितना आता है ये बताइए? अब ये सर इसका मुझे आइडिया है ना, वो सारे पैसे में से मैं भी एक, वो अलग बात है हमारे पास, वो अलग बात है। नॉमिनेटेड पार्षद हूँ जी सर, पार्षद कोटे का पैसा आप देते हो? देते हो हमारे पास सर, सारे विधायकों को आप देते हो? ठीक, आप विधायक को चुनी भाड़ में डालिए, आप पार्षद कोटे का पैसा भी हमको नहीं दे सकते थे? ये आपके मोहल्ले की ये स्थिति है, आपका ये वार्ड है, हम आपको इस काम के लिए पैसा दे रहे हैं? नहीं सवाल सर, विधायक का और पार्षद किसी का नहीं, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो फिर इससे बड़ी जरूरत क्या है? हाँ तो सर मैं तो तैयार हूँ ना सर, मैंने तो एस्टिमेट बना रखा है। उस एस्टिमेट से क्या पानी चला जाएगा? एस्टिमेट से जाता हो तो हम इसको वहीं लटका दें? नहीं सर, ये तो आप भी समझते नहीं समझता। हाँ नहीं जाएगा इससे, जो करेंगे कुछ नहीं तभी जाएगा। तो फिर 50 करोड़ की व्यवस्था करा दिया। 50 करोड़? सॉरी 50 लाख। हाँ 50 लाख की व्यवस्था हम आपको कराएं तो आप ये काम करेंगे? मतलब आपका मतलब आप बयान दे दीजिए, आपको हमसे अलग थोड़ा कर। नहीं हमने कहा ना, आप बयान दे दीजिए कि नगर निगम 50 लाख का मतलब कहाँ से कराएंगे सर? नगर निगम आप जानो, आप कहाँ से कराएंगे? ऐसा नहीं आप करें नगर निगम नहीं, कैसे हो सकता है इस पर विचार करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा हो सकता है नहीं सर, ऐसा करा हूँ, हो सकता है पैसा और आने वाला हो हमारे पास। दूसरी चीज़ एक के तौर नहीं आई सर, दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हाईवे है जी सर, यहाँ एक नाला है, अभी आप यहीं पर पाइप लगाए हैं जी सर, और ये पानी इसी में डाल रहे हैं जी सर। ठीक है, ये पानी पाइप से इसमें जा रहा है। मैंने तुमसे उस मीटिंग में कहा था 1.5 साल पहले जी सर, मेरे देखने में लगता है कि अगर इस नाले को यहीं एक नाला है, इस नाले को चौड़ा और गहरा कर दिया जाए थोड़ा सा, तो ये जो पानी है इस नाले से होकर इसमें चला जाएगा। तुमने क्या किया जानने? मैं सर जब निकाल लिया था। हाँ नहीं क्यों सर, ये देख लो कितना कितना ऊंचा है वो सर, यहाँ से जो अपना बेड है ना सर, जो पानी है जहाँ पानी जा रहा है, ये जो नाला है जी सर, हाँ इससे सर एक कम से कम 2.5 फीट ऊँचा है। मैं सर उसकी मैक्सिमम है विश्वास नहीं आपसे देख के सर, वो यार जो चीज़ आपसे नहीं देखेगी वो लेवल से आपने व्हाट्सएप में भी रखा दिखा लो। यहाँ ये बैठे हैं, आखिर निर्णय कैसे हो? या तो हमसे आप कहिए तो हम आज जा करके, या तो आप कहिए तो हम जाके अभी पानी में वहाँ बैठ जाएं, बैठ जाएंगे अपने आप सब कुछ होने लगेगा। एस्टिमेट तो 1.5 साल पहले बन गया, अगस्त 2019 में, 1 साल पहले जी। कब होगा कम? आप हमसे ये वादा कर सकते हैं कि आप हमसे ये वादा कर सकते हैं कि नगर निगम का पहला काम यही होगा जब पैसा आएगा तो फिर आप क्यों हमसे कह रहे हैं कि अगले पैसा आएगा तो काम होगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आप बताओ कि मैं आज पानी में बैठूं या आप बनवाओगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कहिए तो मैं जाके बैठ जाऊँ। तो आप अपना मेयर साहब से बात करके हमें फ़ोन करो,
नहीं कुछ नहीं, आप मेयर साहब से बात करिए, मैं क्यों बात करूँ, आप बात करके मुझे बताइए। मैंने आपसे कहा ना, आप मेयर साहब से बात कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप नहीं देंगे पैसा, मैं जाके पानी में बैठूंगा, अभी ये चीफ इंजीनियर है इन्हीं के सामने बैठूंगा, मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूँ, और जब मैं बैठूंगा तो आप समझ रहे हैं कि वो कहाँ तक जाएगा। आप मेयर साहब से बात करी, नहीं कुछ नहीं, ये कहते कहते मैं थक गया आप लोगों से, सर बहुत रिक्वेस्ट किया, अब मैं गाली खा रहा हूँ पब्लिक की, अब मैं गाली नहीं खाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना, अब पैसा आपने कह दिया, जब मेयर साहब कहेंगे तो मिलेगा, यानी मेयर साहब के पावर में है, आप अपने मेयर साहब से बात करो और बताओ कि मुझे इस साल के तक पैसे में बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं बैठूंगा सामने, आप उसको बर्दाश्त करिएगा, राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेज आप देखिएगा। मैंने आपसे कहा आप अपने मेयर साहब से बात करिए, मुझसे ऑफिशियल वादा करिए कि मुझको आप पैसा देंगे कि नहीं देंगे, आप बात करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी बात करने, आप करिए, मैं नगर मेयर साहब से कह रहा हूँ। हर बारिश में हर समय 1.5 फीट पानी लगना नियम है, आप नगर के महापौर हैं, आपने अभी पत्रकार वार्ता किया और बताया कि 286 करोड़ का हमने काम कराया, हमें बहुत गर्व की एहसास हुआ कि हम लोगों के पास एक ऐसा काम कराने वाला मेयर है, और हम तो वैसे भी आपके प्रशंसक हैं, लेकिन 286 करोड़ में नगर निगम ये कह रहा है कि आप हमको हमारे वार्ड को दाऊदपुर को नाला बनाने के लिए 50 लाख देने को तैयार नहीं है, आखिर हम भी तो आपके मानद पार्षद हैं ना। जी उन्होंने कहा कि मेयर साहब से बात करिए, जब तक मेयर नहीं कहेंगे हम कहाँ से देते हैं आपको, मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूँ सर, मेरा आपसे आप जोड़ सकें तो मैं वीडियो कॉल करके आपको हाथ से प्रार्थना कर दूँ, मैं 20 साल से विधायक हूँ और रोज़ पानी लगता है, ये शहर के लिए सम्मान के लिए, आपके सम्मान, हमारे सम्मान और माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान, माननीय सांसद जी के सम्मान, और इतनी छोटी सी राशि है, ये लोग 1.5 साल से आपसे पैसा नहीं दिलवा पा रहे हैं। अच्छा, इस बार जो भी पैसा रहेगा मैं आपका बयान अखबार में भेज सकता हूँ कि इस बार आप ये काम पहली बैठक में पहला काम करा के करा देंगे। ठीक, धन्यवाद। मैं आज तय किया था कि मैं उसी पानी में लेटूंगा, आपको आग्रह करूंगा, आपको बुलाऊंगा और आपको वहीं लेटाऊंगा, आयुक्त साहब को बुलाऊंगा और आयुक्त साहब को लेटाऊंगा, आपके हाँ तो आपने मुझसे वादा किया है, आपके वादे पर मैं वहाँ लेटना स्थगित कर रहा हूँ, मैं आपके वादे पर पानी में लेटना और डूबना स्थगित कर रहा हूँ आपकी अगली बैठक तक। धन्यवाद। ठीक, ये सब रखे आड का नाला, इसको हम लूट नाला कहते हैं, लूट नाला, तुम लोगों ने 36 लाख रुपया इस नाले में खर्च किया, तुम उसके हिस्सेदार हो, 3,60,000 तुम भी पाए हो, महारे तो सब कहानी संजय यादव ने बनवाया, संजय यादव इसका ठेकेदार रहा, उसने निहायत घटिया ईंटें लगाई, निहायत घटिया मसाला लगाया, मैंने काम रुकवाया, नगर आयुक्त आए, काम तोड़ा गया ना, आप नहीं याद है क्या? मुझे याद है सर। आपको याद है? एकदम से याद है। ठीक है, अच्छा काम हुआ सर, फिर उसके बाद काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। लेकिन इस नाले का तुमने कभी लेवल नहीं लिया, सुनो हमारी बात, भाती तुम्हारे पिताजी हैं इंजीनियरिंग में, इसका लेवल और इसका लेवल ला के हमको दिखा देना और बता देना कि ये कितना दूरी है, उस दूरी के हिसाब से इसमें कितना ग्रेडियंट होना चाहिए कि ये पानी बहेगा। ठीक है, सुरेश चंद चीफ इंजीनियर नगर निगम। सर, विधायक जी के साथ वार्ता हुई है, क्या आश्वासन आप लोगों ने दिया, कितने दिन में नाला बनवा दिया? माननीय विधायक जी के घर के सामने ये पानी भरता है असल में, और ये काफ़ी टाइम से भर रहा है, तो इसमें सम्पवेल बनाने की प्लस
पाइपलाइन डालने की बात हुई है और इसका एस्टीमेट हमने ऑलरेडी बना रखा है। और चूंकि वर्तमान में पैसे की कमी है और जो माननीय महापौर जी से ही बात हुई है, विधायक जी की और नगर साहब से ही बात हुई है, तो ये कहा गया कि जैसे ही पैसा आएगा और पहले उसमें इसको मीटिंग करा करके सेंशन करा दिया जाएगा और कार्य करा दिया जाएगा। विधायक जी, आपके घर के सामने 10 साल से पानी भरा रहा था, फिर आज आपने धमकी दे दी कि पानी में, क्या समस्या है? धमकी नहीं, मजबूरी है, कोई कर क्या लेगा? आखिर मैं अपने मोहल्ले के साथ कब तक अन्याय करूँगा? पूरे शहर की मैं चिंता करता हूँ, गली गली घूमता हूँ, सड़कें बनवाता हूँ, हर जगह जल जमा होता है, मैं हर जगह जाता हूँ। और हमारे अपने मोहल्ले में लोग कहते हैं चिराग तले अंधेरा, कहते हैं विधायक जी आप अपने घर का पानी नहीं उठवाएंगे तो कौन निकलवाएगा? और यही बगल में मकान है हमारे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री हैं माननीय पी के मल जी, वो भी रहते हैं योगी जी के साथ, दिन भर रहते हैं। तो जब नहीं सुनेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आज मैंने तय किया कि अगर ये नहीं बनवाएंगे तो मैं इसी पानी में डूबूंगा। और जब मैंने धमकी दे दिया कि मैं इसी पानी में लेटने जा रहा हूँ, मेरे साथ परमानंद शुक्ला भी लेटेगा, आओ परमानंद, यहाँ आओ, मेरे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जब इन सब ने तय कर लिया कि ये भी लेटेंगे तो अब सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो टेढ़ी उंगली से निकल गई। मेयर साहब की और नगर आयुक्त की बात हो गई, खाली 50 लाख रुपया चाहिए। 386 करोड़ का निर्माण कराया गया है नगर निगम में, ऐसा अखबारों में 10 दिन पहले निकला था, 386 करोड़। अब 386 करोड़ में दाऊदपुर में 50 लाख रुपया नहीं है, ऐसा क्यों भाई? दाऊदपुर के नागरिक भाजपा के नहीं हैं, गोरखपुर के नहीं हैं, मुख्यमंत्री के नहीं हैं, मेयर साहब के नहीं हैं, विधायक के नहीं हैं, किसके नहीं? पार्षद नहीं है तो क्या हो गया? जहाँ भाजपा का पार्षद नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा क्या? मेयर साहब ने ऐसा तय कर लिया कि वहीं काम होगा जहाँ गैर भाजपाई पार्षद होगा? तो उन लोगों की मीटिंग हो गई, मीटिंग में तय हो गया कि नहीं, जो ही बजट अगला हम पास करेंगे उसमें इसके लिए पास कर देंगे। मेयर साहब का फ़ोन आया था, मेरी बातचीत हुई, आयुक्त साहब का फ़ोन आया था, आयुक्त साहब ने अपने चीफ इंजीनियर को भेजा था और उन्होंने आग्रह किया कि हमको मौका दे दीजिए, हम मौका मिलते मान पहला काम कराएंगे, यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था करा देंगे। हमने मौका दे दिया है, नहीं कराएंगे तो मैं हूँ और अब मैं आग्रह नहीं सुनूंगा, याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। धन्यवाद।